नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय भीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा लेकिन सच यह है कि मोदी भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर केवल नौटंकी कर रहे हैं देश से झूठ बोल रहे हैं और देश की जनता को बरगला रहे हैं सच यह है कि मोदी भ्रष्टाचारियों से जितना खुलकर प्यार करते हैं उतना खुलकर प्यार करने वाला प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में आज तक कोई नहीं हुआ अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने तो मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी जुमले का पोस्टमार्टम करके रख दिया है साफ साफ सबूतों के के साथ देश की जनता के सामने बेनकाब कर दिया है मोदी को और बता दिया है कि कैसे भारत के गरीब जनता के करोड़ों अरबों के लुटेरे चिटफंड घोटाले बाद से लेकर बैंक लुटेरे तक एक बार मोदी की शरण में आ गए तो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का पोस्टर बॉय बन जाता है और न केवल पोस्टर बॉय बन जाता है बल्कि मोदी उसे इनाम भी देते हैं ऐसा दागी मोदी का आशीर्वाद मिलते ही मंत्री उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक बन सकता है जी हां भारतीय राजनीति में यह बहस अब जोर पकड़ चुकी है कि मोदी प्रधानमंत्री हैं या भ्रष्टाचारियों के वॉशिंग मशीन इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा लिस्ट छापती है उन 25 नेताओं के जिन्हें 2014 के बाद से निशाना बनाया गया किसी को ईडी ने किसी को सीबीआई ने किसी को इनकम टैक्स ने बहुतों के घरों पर छापे मारे गए बहुतों से पूछताछ की गई कई को तो बाकायदा गिरफ्तार किया गया इसके बाद चमत्कार होता है ये नेता नरेंद्र मोदी नाम के डिटर्जेंट का इस्तेमाल शुरू करते हैं भाजपा नाम की वॉशिंग मशीन में इन्हें डालकर ऑटो मोड पर चला दिया जाता है और फिर ये एकदम चमकते हुए दमकते हुए दूध सी सफेदी के साथ धुलकर प्रेस होकर ईमानदारी का पट्टा उड़कर बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलते ही भाजपा की ही शैली में भ्रष्टों की यह जमात चिल्लाते हुए कहती है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हम करेंगे भ्रष्टाचार को साफ इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2014 के बाद भ्रष्टाचार के कीचड़ में सने 25 नामी नेता बीजेपी का दामन थामते और देखते ही देखते जिनका चरित्र पवित्र हो गया पच्चीस में से तेईस भ्रष्टाचारी अब मोदी जी की कृपा से चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं मजे से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं इन 25 में से 10 कांग्रेस से हैं चार ही शिवसेना से कितने हुए 18, तीन तृणमूल कांग्रेस 21 हुए एक एक समाजवादी पार्टी और जगनमोहन रेड्डी की वाई एस आर सी पी से हो गए ना पूरे 23, बचे हुए दो के दाग भी किसी भी समय धुल सकते हैं इनमें से तीन के केस बंद कर दिए गए मोदी जी की कृपा से बीस के खिलाफ भाजपा में जाते ही जांच रोक दी गई या जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई छह नेता तो इसी साल ठीक लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में गए और उन्हें राहत मिल गई ऐसे ही थोड़े बोलते हैं कि मोदी जी अठारह अठारह घंटे काम करते हैं उन लुटेरों भ्रष्टाचारियों से पूछो जिनको मोदी जी जेल में डालने वाले थे और फिर कमल के फूल का बोसा लेते ही त्वरित गति से फाइल को मोदी जी ने उल्टी दिशा में घुमा दिया बोले तो चरित्र हो गया पवित्र इंडियन एक्सप्रेस ने 2022 में एक विस्तृत अध्ययन के बाद बताया था कि जितने भी नेताओं के खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कार्रवाई की है इनकम टैक्स ने उनमें से पंचानवे प्रतिशत विपक्ष के हैं यही वजह है कि विपक्ष बीजेपी को वॉशिंग मशीन कह रहा है उसमें डालते ही भ्रष्ट नेताओं के दाग धुल जा रहे कांग्रेस तो लंबे समय से कहती आ रही है कि का दामन पकड़ते ही के कुर्ते मत शारदा चिटफंड घोटाले वाले असम के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा हवाला को ऑपरेटिव बैंक घोटाले और सिंचाई घोटाले वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार विमान घोटाले वाले मनमोहन सरकार में कई मंत्रालयों के मंत्री रहे प्रफुल पटेल चिटफंड घोटाले वाले शुभेंदु अधिकारी छगन भुजपल हाउसिंग घोटाले वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कोयला घोटाले वाले नवीन जिंदल ताजा ताजा कथित तौर पर इन सारे घोटालेबाजों के नाम खुद भारतीय जनता पार्टी चीख चीख कर लिया करती थी मोदी इन्हें जेल में डालने की बात करते थे लेकिन भाजपा वाले अब इन्हें बेल का शरबत पिलाते हैं और ये आराम से मीठी डकार लेते हैं भाजपा के में कुछ मामले तो सचमुच में बड़े कमाल के हैं जैसे खुद भाजपा के आंदोलन के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस ने अजीत पवार के खिलाफ कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में मामला दर्ज किया इस एफ में अजीत पवार के साथ ही शरद पवार का भी नाम होता है एक महीने बाद सितंबर में ईडी कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के कई नेताओं का नाम इसमें जोड़ती है जैसे जयंत पाटिल दिलीप राव देशमुख स्वर्गीय मदन पाटिल ईश्वरलाल जैन आनंद राव अड़सुल वगैरह वगैरह अब क्रोनोलॉजी को समझिए ढाई साल की जांच के बाद या ढाई साल की जांच के बाद अप्रैल 2022 में ईडी चार्जशीट दाखिल करती है जून 2022 में शिवसेना टूट जाती है और शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना लेती है अक्टूबर में मुंबई मुंबईब्ल्यू कहता है कि ईडी को मिले सबूतों के आधार पर और जांच की जरूरत है और जुलाई 2023 में अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं और जनवरी में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देता अजीत पवार बेदाग केस बंद इसी तरह प्रफुल पटेल के एक विमानों की खरीद में घोटाले के आरोपों में ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी प्रताप सरनाइक के मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी इंडियन एक्सप्रेस की पूरी लिस्ट मोदी की कलई खोल कर रख देती है यह लिस्ट बताती है कि जब नेता दूसरे दलों में थे तो यही मोदी कैसे इन्हें भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी बताते थे मुकदमा करने जेल भेजने और वसूली करने की बात करते थे लेकिन मोदी जी का दिल देखिए जैसे ही भ्रष्टाचारियों और दागियों को उन्होंने अपने सीने से लगाया दिल में घुसाया आत्मा में बसाया मोदी उनके गुण गाने लगे तो ममता बनर्जी का दाइना हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी हो या फिर कांग्रेस में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हिमंता बिश्व शर्मा हो या पीडब्ल्यू घोटाले में फंसे छगन भुजबल हो या फिर कोयले की कालिख में डूबे नवीन जिंदल हो या बेहिसाब संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स के रडार पर आए कृपा शंकर सिंह हो झुग्गी विकास घोटाले में फंसे बाबा सिद्दकी हो या फिर तापस रॉय या के गीता तो कहने का मतलब ये कि बहुत दिलदार प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी एक बार बस उनका दिल आना चाहिए इसके बाद तो देखते ही देखते खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा बदल कर हो जाता है खाते जाओ खाते जाओ मोदी के गुण गाते जाओ और रैलियों में चिल्लाते हैं कि अब की बार भ्रष्टाचार पर वार लेकिन मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि दिल से उनका नारा है हर बार भ्रष्टाचारियों से प्यार शर्त बस केवल एक भाजपा का पट्टा गले में लपेट कर, टीवी पर बोलना होगा मुझे अपनी शरण में ले लो मोदी और मोदी कहते हैं हट पगले रुलाएगा क्या आज से तेरा सारा भ्रष्ट चरित्र मोदी ने कर दिया पवित्र चल भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाने में हमारी मदद कर तुझे एक राज की बात बताता हूं जोर से बोलो तो झूठ को भी जनता सच मान लेती है हसी मत सोचिए क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है 2014 से वाकई भ्रष्टाचारियों के सबसे अच्छे दिन है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर डालिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो ट्विटर को जरूर फॉलो कीजिए आर्टिकल नाइनटीन अंडर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट नमस्कार